पहली बार अरविंद केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि सिसोदिया ने अपने रिश्तेदारों को विज्ञापन का ठेका दिया, जिसे लेकर एसीबी ने डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी यानी कि डीआईपी को नोटिस दिया है। हालांकि डीआईपी ने ऐसा कोई नोटिस मिलने से इनकार किया। पूरे दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम वाले ये पोस्टर होर्डिंग्स लगाने वाली केजरीवाल की सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में, और इस बार निशाने पर है केजरीवाल के राइट हैंड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सिसोदिया पर सवाल भी इन्हीं विज्ञापनों के चलते उठे हैं। आरोप है कि दिल्ली में विज्ञापन के ज्यादातर ठेके मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों को दिए हैं। एंटी करप्शन ब्रांच को कंप्लेंट मिली है और इस कंप्लेंट की जांच के आदेश दिए हैं, उनको नोटिस भी दिया गया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और जिस तरह से डॉक्यूमेंट आएंगे और उस हिसाब से जो आगे जांच होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में एसीबी ने सूचना और जनसंपर्क विभाग को नोटिस भेजा है और विज्ञापन से जुड़े सारे कागजात मांगे हैं। हालांकि सिसोदिया का इस पूरे मामले में क्या रोल है उसके बारे में मीडिया ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। कंप्लेंट में क्या मनीष सिसोदिया जी का नाम है? मैं अभी डिटेल नहीं बताना चाहूंगा, बस ये बताना चाहूंगा कि इसके बारे में हमको कंप्लेंट मिली है और कंप्लेंट की जांच जारी है। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। तो मैं इस डिटेल की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि जांच जारी है और नोटिस सर्व कर दिया गया। मेरा मन तो इसको हंसने को कर रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसकी जिम्मेदारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, वह एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले कुछ महीनों से जो है वो उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है जो भ्रष्टाचारियों से खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश कुमार मीणा वही अफसर हैं जिनसे केजरीवाल सरकार का टकराव पहले से ही जारी है। केजरीवाल सरकार ने मीणा के नियुक्ति को ही चुनौती दे डाली थी। कुछ दिन पहले ही पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पर्दों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था और मीणा के खिलाफ सीवीसी को चार्जशीट भेजी थी। जाहिर है अब मनीष सिसोदिया पर घोटाले के आरोप लगे तो एसीबी एक्शन में है और विरोधी हमलावर। सरकार का असली रंग, असली चेहरा अब दिखाई देना शुरू हुआ है और इनकी सरकार में, जो मैंने पहले भी कहा था, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो नहीं होता वो दिखता है। चुनाव से पहले बड़े बड़े बातें इन्होंने की कि हम बड़ा अच्छा प्रशासन देंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, बिल्कुल साफ छवि के लोग होंगे, सब उल्टा हो रहा है। जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद से आज तक एक भी एजेंसी को इम्पैनल नहीं किया गया। आरोप यह लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के रिश्तेदारों को दिया गया। अरे भाई, अगर सबूत है तो मनीष जी को गिरफ्तार कर लो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।